Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer along with the proud digital networker. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। 100% श्योर अबाउट दैट। ठीक है, सो गाइस ज्यादा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अभी चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कि लीड्स कहाँ से लेके आए, लीड्स कहाँ से लाए, कैसे समझाएं लोगों को। हम तो बैठे हैं समझाने के लिए, लेकिन कोई आए तो हमसे समझने के लिए, तो लीड्स कहाँ से लाए। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, यार इंस्टाग्राम के एड्स ही नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, द वर्ल्ड इज नाउ वेरी वेरी बिजी एंड वेरी वेरी नॉइजी, तो इंस्टाग्राम एड से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या करें भाई, हजार हजार रुपये मैंने लगा दिए, दो दो हजार रुपये मैं रोज लगा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम एड्स पे, लीड्स ही नहीं मिल रही, फिर मैं क्या करूँ, कैसे होगा। कोई बात नहीं, टीएलएफ ग्रुप आपको बताएगा, टेंशन नहीं लेने का, मुनाको खाने का। ठीक है, टॉप सीक्रेट है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो सबसे पहले तो आपको, जैसे आप अगर यूट्यूब चलाते हो तो आपका एक निश है, जैसे मैं हूँ, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, तो मेरा भी यहाँ पे इस चैनल पे निश है कि मैं फॉरएवर रिलेटेड ही वीडियोज बनाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग की वीडियोज दिखाने लगा या फिर और किसी की वीडियोज दिखाने लगा, तो मैं अपने निश से हट जाऊंगा, तो क्या होगा, मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा या फिर मेरे व्यूअर्स कहेंगे भाई ये क्या वीडियोस बनाने लगे आप। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे निश क्या है कि मैं फॉरएवर रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। अगर आप लड़की हो तो आपके टारगेट ऑडियंस अलग होंगे, आप लड़का हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेस ऑनर हो, जॉब वाले हो, या फिर आप कोई भी हो, मतलब सबके ना टारगेट ऑडियंस अलग होते हैं और होने भी चाहिए, तभी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने टारगेट ऑडियंस सेट करो कि भाई मैं इस टाइप के टारगेट ऑडियंस को टारगेट करूंगा, उसके हिसाब से ही काम होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से मैंने एक बहुत अच्छा पहले पोस्टर बनाया, बहुत अमेजिंग पोस्टर था वो, मुझे खुद देख के उसे प्यार हो गया था कि ऐसे भी पोस्टर बनाया जा सकता है क्या। ठीक है, फिर मैंने क्या किया उसके बाद, देखो हम है नेटवर्क मार्केटर। ठीक है, अब खाली नेटवर्क मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा, हमें डिजिटल वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा अपना माइंड भी और अपना पूरा पूरा बिजनेस भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बल्कि मैंने क्या, हमारी टीम ने क्या किया, द लीडरशिप फैक्ट्री ने क्या किया, कुछ ऐसे डिजिटल मार्केटर्स ढूंढे जिनके पास सेम वो ऑडियंस थी जो मुझे चाहिए थी, जिनके पास सेम वो ही ऑडियंस थी जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने क्या करा, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। ठीक है, जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो मैंने उनसे एक डील फाइनल करी कि भाई मेरा एक पोस्टर है, आप अपने स्टेटस पे लगाओ, मेरा एक पोस्टर अपने स्टेटस पे लगाओ एक घंटे के लिए, जितना आप चार्ज, एक दिन के लिए जितना आप चार्ज करोगे आई विल पे फॉर इट। ठीक है, अब पहले तो वो मना करने लगी, भाई आप कौन, क्या हो, कैसे हो, बट मैंने उनको कैसे ना कैसे कन्विंस किया, जो कि आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मान गए, 500 रुपये लिए उन्होंने, 500 रुपये में उन्होंने क्या किया, 500 रुपये में हमारा जो पोस्टर था वो एक दिन के लिए अपने स्टोरी पे लगा दिया, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। ठीक है, तो वहां से लीड्स आना स्टार्ट हुए, क्योंकि वहां पे हमने सब कुछ, वो लिंक वगैरह सब सेट कर रखा था कि वहां पे जो भी उस पर क्लिक करेगा तो कहां से लीड्स कैसे कैसे आ जाएंगी, वो हमने सबसे सेट कर रखा था। ठीक है, तो अब यकीन मानना वहां से 252 लीड्स आई मिली हमें वहां से। अब कन्वर्ट कितनी हुई नहीं कितनी हुई वो बात अलग चीज है, लेकिन 252 लीड्स आना भी बहुत बड़ी बात है 500 रुपये में। अगर हम करके चलें तो 2 रुपये की एक लीड पड़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ पे एक भी बिजनेस अगर ज्वाइन करके तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये भी हुआ कि हमारी टीम में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो खुद का अपना वेबिनार नहीं कर सकते, खुद लोगों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अभी शाई नेचर के हैं, अभी न्यू ज्वाइन करे हैं, अब उनको ज्यादा पता नहीं है, बिजनेस के बारे में पता है लेकिन कैसे एक्सप्रेस करना है बिजनेस को, कैसे लोगों को बताना है, ये उनको नहीं पता है, तो उनके लिए काम बहुत आसान हो गया। हमारी जो रिक्रूटमेंट वेबिनार होती है, ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात है हम रोज वेबिनार नहीं करते हैं, क्योंकि वेबिनार का ना लेवल गिर जाता है उसके बाद, अगर हम रोज रोज वही रिपीटेशन मोड पे चलती रहेगी तो लेवल कहीं ना कहीं गिर जाता है, और हम लोग जो टीम मेंबर्स होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं बोर रहते हैं, क्या यार वही रोज रोज। ठीक है, तो वेबिनार लाइव होनी चाहिए और वीक में एक बार करते हैं हम। ठीक है, वीक में एक बार करते हैं और वहीं से रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वहां की वो सारी लीड हमने बिठाते हैं वहां। अब जो लोग ऐसे हैं जो खुद का वेबिनार नहीं कर सकते उनके लिए फायदा हो गया, भाई 250 रुपये दो, 500 रुपये दो, 250 लीड्स आ गई आपकी,
अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने को लोगों को चेंज कर पाते हो, ठीक है, कन्वर्ट कर पाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट एक ये बहुत अच्छी चीज चल रही है अभी, ठीक है, टॉप सीक्रेट रिवील कर दिया मैंने यहाँ पे, समझ रहे हो? देख लेना, ठीक है, हमको ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई नो अगर आप भी इस तरह से करोगे, सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस सेट करो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन होने चाहिए, तो अपने अपलाइन के साथ बैठो यार। आपके अपलाइन क्यों है, अपने अपलाइन का दिमाग कहाँ होना कि बताओ भाई कैसे होगा, ठीक है। मेरे डाउनलाइंस भी तो कहते हैं मुझे कि भाई मुझे बताओ मेरे डाउनलाइंस कैसे, तो मैं उनको बताता हूँ किस तरह के डाउनलाइंस, किस तरह के आपके टारगेट ऑडियंस होने चाहिए, सो दैट यू विल डेफिनेटली गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दैट बिजनेस, ठीक है। तो अपने अपलाइन से पूछो, वो डेफिनेटली बताएंगे आपको कौन सा टारगेट ऑडियंस है, उसी हिसाब से फिर पोस्टर बनाओ एक बहुत बढ़िया सा, ठीक है। फिर उस हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स ढूंढो जिनके पास अच्छा खासा बेस हो, और उनके पास वही बेस होना चाहिए जो आपको ऑडियंस चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको ऑडियंस कुछ हो रहा है, आपका निश कुछ हो रहा है, और आपने किसी दूसरे मार्केटर को पकड़ लिया जिसके पास वो ऑडियंस है ही नहीं, और आपके पैसे भी जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इंस्टाग्राम से अगर अब आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इंस्टाग्राम अब बेकार हो गया है, इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी डाल के 20 to 40 के, ये फालतू चीजें हो गई है, बिल्कुल कोई नहीं देख रहा, इवन तो सब नेगेटिव हो गए हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ खुराफाती करते हैं तो इस तरह ही कुछ करिए, सो दैट यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दो कि ये जो खुराफाती हमने करी है, इस तरह से हम लीड जनरेट कर रहे हैं आजकल, क्या आपको अच्छी लगी क्या नहीं लगी, और अगर अच्छी लगी तो अच्छा, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, आप अपनी चीज ढूंढिए, हम अपनी चीज ढूंढते हैं। जब तक के लिए लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।